नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गूगल एप्पल ने खोला मोर्चा। वीजा बैन मामले पर 97 कंपनियां पहुंची कोर्ट, ट्रंप के फैसले को कानून और संविधान का उल्लंघन बताया। सीरिया में अपने अंतिम गढ़ में घिरा आईसिस। सीरिया समर्थित बलों ने अलबाब की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते को किया बंद। पिछले 7 दिसंबर से सीरिया सरकार ने आईसिस के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने रचा इतिहास। 65 साल से लगातार महारानी के पद को बखूबी संभाल रही हैं एलिजाबेथ। महारानी के सम्मान में लंदन में दी गई 41 तोपों की शाही सलामी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने डेली मेल और एक ब्लॉग के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। वेबसाइट में 90 के दशक में मेलानिया को एक एस्कॉर्ट के रूप में काम करने का किया गया था दावा। हर्जाने के तौर पर की है $150 मिलियन की मांग। चीन ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल DF-16 के साथ किया अभ्यास। करीब 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है मिसाइल। और पाकिस्तान के कराची में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास के अधिकारी मोहम्मद जकी की गोली मारकर हत्या। सुरक्षाकर्मी ने चलाई थी गोली। मामले की जांच में जुटी पाकिस्तान की पुलिस। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।